नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। बाप बेटे ने मिलकर युवक को मारा चाकू। बुलंदशहर के गांव तोली में बाप बेटे ने स्कूल के विवाद में एक छात्र को चाकू से गोद दिया। गंभीर हालत में पीड़ित को हायर सेकेंड रेफर कर दिया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। मामला दो धर्मों से जुड़ा होने के कारण आला अफसरों ने कमान अपने हाथ में ले ली है। डीएम एसएसपी पल पल की रिपोर्ट ले रहा है। कई थानों की पुलिस लगातार गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पुलिस को आरोपियों के घर से 4 हथगोले, 5 तमंचे और काफी संख्या में जिंदा कारतूस मिले हैं। कई थानों की पुलिस गांव में जमा है। क्षेत्र के गांव तोली में आकाश बेटे उपदेश और आमिर पुत्र बबलू पड़ोसी है। आकाश ग्रेटर नोएडा एक कॉलेज में बीबीए का छात्र है। वही आमिर जहांगीरबाद के एक निजी कॉलेज में कक्षा 11वीं का विद्यार्थी है। आमिर को विद्यालय में शुक्रवार दोपहर में 2 छात्रों ने थप्पड़ मार दिया। आमिर गुस्से में घर लौट आया और अपने पिता बबलू को जानकारी दी। कहा कि मुझे आकाश ने पिटवाया है। आमिर के परिजन आग बबूला हो गए। आकाश के घर आने का इंतजार करने लगे। आकाश जहांगीरबाद किसी काम के लिए गया था, वहां से लौटकर आ रहा था। घर में घुसने से पहले ही उसे 5 से 6 लोगों ने दबोच लिया। आरोप है कि सभी ने मिलकर आकाश को लाठी डंडों से बुरी तरह पीटा। जैसे तैसे बचकर आकाश अपने घर पहुंचा। घर पर कोई नहीं था, तभी आमिर, बबलू, राजू, शोएब, गुड्डू, सोहेल आकाश के घर पहुंच गए। उन्होंने आकाश के साथ मारपीट शुरू कर दी। आमिर के हाथ में चाकू था। आरोप है कि पिता बबलू ने आमिर को चाकू मारने के लिए उकसाया था। कहा कि आकाश के पेट में चाकू खोप दो। तभी गुस्से में आमिर ने आकाश के पेट, सीने और अन्य हिस्सों में कई बार चाकू से वार किया। आकाश के शरीर से खून बहने लगा। आवाज सुनकर परिजन घर पहुंचे। परिजनों को आता देख आमिर और बबलू फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही एसडीएम अनूप शहर, शियो अनूप शहर समेत कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। परिजनों ने बताया कि आरोपियों के घर से 4 हथगोले मिले थे। पुलिस सभी को अपने साथ ले गई। वही 7 तमंचे और काफी संख्या में जिंदा कारतूस भी पुलिस को मिला है। हथगोले मिलने के कारण पुलिस और प्रशासन के हाथ पैर फूल गए हैं। घर से पिन वाले गोले मिलने के कारण भविष्य में किसी बड़ी साजिश की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। एसपी देहांत बजरंग बली चौरसिया का कहना है कि गांव में पुलिस फोर्स तैनात है। छात्र पर हमले के आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गांव में हथगोले मिलने वाली बात गलत है, ऐसा कोई मामला नहीं है। बुलंदशहर के गांव तोली में बाप बेटे ने स्कूल के विवाद में एक छात्र को चाकू से गोद दिया। गंभीर हालत में पीड़ित को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। मामला दो धर्मों से जुड़ा होने के कारण आला अफसरों ने कमान अपने हाथ में ले ली है। डीएम एसएसपी पल पल की रिपोर्ट ले रहे हैं। कई थानों की पुलिस लगातार गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पुलिस को आरोपियों के घर से 4 हथगोले, 5 तमंचे और काफी संख्या में जिंदा कारतूस मिले हैं। कई थानों की पुलिस गांव में जमा है। क्षेत्र के गांव तोली में आकाश 19 वर्षीय बेटे उपदेश, आमिर पुत्र बबलू पड़ोसी, आकाश ग्रेटर नोएडा एक कॉलेज में बीबीए का छात्र है। वही आमिर जहांगीराबाद के एक निजी कॉलेज में कक्षा 11 का विद्यार्थी है। आमिर को विद्यालय में शुक्रवार दोपहर में 2 छात्रों ने थप्पड़ मार दिया। आमिर गुस्से में घर लौट आया और अपने पिता बबलू को जानकारी दी। कहा कि मुझे आकाश ने पिटवाया है। आमिर के परिजन आग बबूला हो गए। आकाश के घर आने का इंतजार करने लगे। आकाश जहांगीराबाद किसी काम के लिए गया था, वहां से लौटकर आ रहा था। घर में घुसने से पहले ही उसे 5 से 6 लोगों ने दबोच लिया। आरोप है कि सभी ने मिलकर आकाश को लाठी डंडों से बुरी तरह पीटा। जैसे तैसे बचकर आकाश अपने घर पहुंचा। घर पर कोई नहीं था, तभी आमिर, बबलू, राजू, शेब, गुड्डू, सुहेल आकाश के घर पहुंच गए। उन्होंने आकाश के साथ मारपीट शुरू कर दी। आमिर के हाथ में चाकू था। आरोप है कि पिता बबलू ने आमिर को चाकू मारने के लिए उकसाया। कहा कि आकाश के पेट में चाकू घोंप दे। तभी गुस्से में आमिर ने आकाश के पेट में, सीने और अन्य हिस्सों में कई बार चाकू से वार किया। आकाश के शरीर से खून बहने लगा। आवाज सुनकर परिजन घर पहुंचे। परिजनों को आता देख आमिर और बबलू फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही एसडीएम अनूप शहर, सीओ अनूप शहर समेत कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। परिजनों ने बताया कि आरोपियों के घर से 4 हथगोले मिले हैं। पुलिस सभी को अपने साथ ले गई। वही 7 तमंचे
काफी संख्या में जिंदा कारतूस से पुलिस को मिले हैं। हथगोले मिलने के कारण पुलिस और प्रशासन के हाथ पैर फूल गए हैं। घर से पीने वाले गोली मिलने के कारण भविष्य में किसी बड़ी साजिश की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। इस विधिहात बजरंग बली चौरसिया का कहना है कि गांव में पुलिस फोर्स तैनात है। छात्र पर हमले के आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गांव में हथगोले मिलने वाली बात गलत है, ऐसा कोई मामला नहीं है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज TV ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा लिंक ट्विटर हाइक कुक फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल दर्शकों वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहे MNS न्यूज के साथ। नमस्कार।